Hey, दोस्तों कैसे हो आप लोग। कैसा लगेगा अगर आपको ऐसे अमिताभ बच्चन आके पूछेंगे कि दोस्तों कैसे हो। मजा आएगा, मजा तब भी आएगा जब आपको ये सब समझ आएगा। तो आज के एपिसोड में दोस्तों हमें सीखना है रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स। आप पूछेंगे सर रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स क्या होता है। मोटिवेशन मतलब क्या, मोटिवेट करना। मोनेटाइजेशन मतलब क्या, मोनेटाइज करना, पैसे देना। ठीक उसी तरीके से रैशनलाइजेशन मतलब क्या, रैशनलाइज करना। रैशनलाइज हम किन चीजों को करते हैं, जो चीजें ऑलरेडी रैशनलाइज नहीं है, मतलब जो चीजें इरेशनल है। ठीक उसी तरीके से जो इरेशनल हमारे रूट्स होते हैं जिनको हम सर्ड्स कहते हैं, हम उन्हें रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी रैशनल नहीं है, ये इरेशनल है, इसलिए हम उन्हें रैशनल करेंगे। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे कि ये जो हमारे सारे सर्ड्स होते हैं, ये जो सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, इनको रैशनल कैसे करें। ठीक है, अब देखते हैं, वन बाय वन देखेंगे। सारे एग्जांपल्स को आप देखोगे तो आप आराम से समझ जाओ। सबसे पहले हमारे पास है अंडर रूट टू। ठीक है, अंडर रूट टू को अगर मैं अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू इज इक्वल टू अंडर रूट फोर इज इक्वल टू टू। यहां पर ये नंबर रैशनलाइज नहीं है, इरेशनल है। यहां पर ये नंबर रैशनल हो गया ना रैशनलाइज। अगर अंडर रूट थ्री को मैं अंडर रूट थ्री से ही मल्टीप्लाई करूं, अंडर रूट थ्री, तो क्या आएगा, अंडर रूट नाइन इज इक्वल टू थ्री। यहां पर ये इरेशनल है, यहां पर रैशनल है, हो गया ना रैशनलाइज। सिमिलरली अगर मैं अंडर रूट फाइव को अंडर रूट फाइव से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा हमारे पास, अंडर रूट ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू फाइव। यहां पर इरेशनल, यहां पर रैशनल है, हो गया ना रैशनलाइज। इसी तरीके से हमारे पास कोई भी नंबर अगर स्क्वेयर रूट में है, स्क्वेयर रूट में, तो हम उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, एवरी स्क्वेयर रूट नंबर या फिर एवरी क्वाड्रेटिक सर्ड, क्वाड्रेटिक सर्ड मतलब सर्ड जिसका पावर टू है। अब अगर यहां पर मान लो ये क्यूब रूट होता, क्यूब रूट ऑफ फाइव, तो हम इसको सिर्फ एक बार रूट फाइव से मल्टीप्लाई करके काम नहीं बनता, हमें इसको दो बार मल्टीप्लाई करना होता क्यूब रूट ऑफ फाइव से, तब जाके ये नंबर बनता क्यूब रूट ऑफ फाइव का क्यूब, और क्यूब क्यूब रूट कैंसिल होके फिर बाहर निकलता फाइव। इस तरीके से हम इसको रैशनलाइज करते, लेकिन क्यूब रूट में हम नहीं जाएंगे। आपके सिलेबस में सिर्फ क्वाड्रेटिक सर्ड दे रखे हैं, तो हम क्वाड्रेटिक सर्ड की बात करेंगे। कोई भी क्वाड्रेटिक सर्ड खुद का रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक सर्ड को अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो आने वाला आंसर होता है वो रैशनल होता है। बेसिकली एक रैशनलाइजिंग फैक्टर वो सर्ड खुद का होता है। इसके अलावा जो हमारे पास मान लो अलग नंबर है, जैसे मान लो हमारे पास रूट सिक्स है, ये भी क्वाड्रेटिक सर्ड है, इसको भी अगर हम रूट सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रैशनलाइज हो जाएगा। लेकिन क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है जिसका यूज करके हम इसे रैशनलाइज कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास अंडर रूट सिक्स है, हमें पता है कि स्क्वायर नंबर्स कौन से हैं, जीरो स्क्वायर है, वन स्क्वायर है, फोर स्क्वायर है, नाइन स्क्वायर है, ट्वेंटी फाइव स्क्वायर है, सिक्सटीन स्क्वायर है, थर्टी सिक्स स्क्वायर है, फोर्टी नाइन स्क्वायर है, सिक्सटी फोर स्क्वायर है, एट्टी वन स्क्वायर है, हंड्रेड स्क्वायर है, ये सब हमें पता है। इनमें से कौन सा नंबर आएगा जब हम इसको एक रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखो अगर ये अंडर रूट सिक्स है तो अंडर रूट सिक्स को हम अंडर रूट सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट थर्टी सिक्स आएगा इज इक्वल टू सिक्स। ये तो वैसे ही हो गया रैशनलाइजिंग फैक्टर, अंडर रूट सिक्स का रैशनलाइजिंग फैक्टर है। ये तो हमने इधर भी सीखा था, हमने यहाँ पे भी देख लिया। लेकिन क्या कोई ऐसा दूसरा नंबर है जो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। देखो अगर अंडर रूट सिक्स को हम मल्टीप्लाई करें 100 डिवाइड बाय 6 अंडर रूट, मतलब ये हो गया 50, ये हो गया 3, मैंने क्या किया 2 से कटा दिया, 2 3 जा 6, 2 50 जा 100। अगर मैं ऐसे करता हूं तो क्या आएगा, अंडर रूट। मल्टीप्लिकेशन में हमने सीखा था कि जो रूट्स होते हैं उनका सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यहां पर 6 इंटू 50 डिवाइड बाय 3 हो गया, ये भी रूट के अंदर है, तो 3 2 जा 6, 2 इंटू 50 ये हो गया 100, तो हमारा आंसर आता है अंडर रूट 100 इज इक्वल टू 10, हो गया ना रैशनलाइज। तो अंडर रूट 6 का अंडर रूट 100 बाय 6 ये एक रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया।
अब यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर मान लिया अगर आपने 49/6 ले लिया, अंडर रूट 49/6 ले लिया, जब आप इनका मल्टीप्लीकेशन करते हो ये कैंसिल हो जाता है, अंडर रूट 49 का आंसर 7 आ जाता है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी हो गया रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो इस तरीके से रैशनलाइजिंग फैक्टर कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, हमें सिर्फ क्या करना है, जो इरेशनल नंबर है उसको रैशनल में कन्वर्ट करना है, उसका जो स्क्वायर है बेसिकली उसको हटा देना है। अब सिमिलरली अब आप ये भी कहोगे कि सर वैसे तो हर जो रूट का नंबर होता है यहाँ पर कोई भी एक्स हो, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वैसे ही स्क्वायर रूट हट जाएगा। हाँ तो हट जाएगा ना, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करना मतलब क्या, अंडर रूट एक्स को अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करना। तो अगर हमारा ओरिजिनल नंबर अंडर रूट एक्स है तो हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर भी अंडर रूट एक्स हो जाएगा, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, एक्स बचेगा। तो हर क्वाड्रेटिक सर्ट जो होता है वो खुद का भी क्वाड्रेटिक सॉरी रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है। अब हमारे पास कुछ अलग एग्जांपल्स है, देखो 2√3 है, 2√3 को हमें रैशनलाइज करने के लिए पूरी 2√3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अगर हम इसको सिंपली √3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 × √3 इज इक्वल टू क्या आएगा 2 × √9 3 × 3 = 9 इज इक्वल √9 मतलब 3 = 2 × 3 = 6 ये आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर भी आपका ये देखो इरेशनल यहाँ पर था, यहाँ पर आके रैशनल हो गया, मतलब रैशनलाइजेशन हो गया। ओरिजिनल नंबर को हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, √3 से, मतलब 2√3 का √3 एक रैशनलाइजिंग फैक्टर है। सिमिलरली हमारे पास √45 है, √45 को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट √45 नहीं रखेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे, अगर हम इसको √45 को √9 × 5 लिखते हैं तो 9 × 5 = 45 आ गया करेक्ट, 9 को बाहर निकालते हैं 3 × 1 के बाहर आएगा 3 √5, ये हमारा √45, ये दोनों सेम ही नंबर है। अब हम 3√5 को रैशनलाइज करेंगे, तो 3√5 को अगर हम √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√25 आ जाएगा इज इक्वल टू 3 × 5 = 15 हो जाएगा, ये हो गया रैशनल, ये था ही रैशनल, हो गया रैशनलाइज। यहां पर हमारा ओरिजिनल नंबर √5 था, मतलब 3√5 था, हमने मल्टीप्लाई किया √5 से, मतलब √5 जो है √45 का एक रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया, या फिर एक रैशनलाइजेशन फैक्टर हो गया। अब सिमिलरली जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 10√7, अगर हमें कहा गया कि यहाँ पर जो हमारे पास फ्रैक्शन है इसमें सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो हम कैसे करेंगे, √7 को रैशनलाइज करने के लिए √7 से हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको ये बोला गया है कि इस नंबर को रैशनलाइज करो तो हमें रैशनलाइज ऐसे करना है कि इसकी वैल्यू नहीं चेंज होनी देनी है, तो हम क्या करेंगे √7 से ऊपर और नीचे दोनों जगह पर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए पूरे जो फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू सेम रहेगी, हमें बस अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। √7 × √7 ये क्या हो जाएगा, देखो 10√7 बच जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा √49 इज इक्वल टू हो जाएगा 10√7/49 का स्क्वायर रूट बाहर आके हो जाएगा 7, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हमको उन्होंने कहा था कि सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। अब यहाँ पर न्यूमरेटर इरेशनल है वो अलग चीज है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, उन्होंने कहा था डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, हमने डिनोमिनेटर को कर दिया रैशनलाइज। इस तरीके से हम दिए गए नंबर्स को रैशनलाइज कर सकते हैं, रैशनलाइज करना मतलब बेसिकली हमारे पास जो नंबर रूट में है उसको रूट से बाहर निकालना, तो या तो हम उसका डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर करना मतलब क्या, दिए गए नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो जो दिया गया नंबर है उसका एक रैशनलाइजेशन फैक्टर हमेशा वो नंबर खुद भी रहेगा, ये याद रखो, ये आपको एमसीक्यूज में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या फिर ट्रिक क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हमें सिंपली किसी नंबर को रैशनलाइज करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 3 है अंडर रूट, हम इसको √9 बनाएंगे तो भी रैशनल हो जाएगा, √3 को हम √36 भी बनाएंगे तो भी रैशनल हो जाएगा, क्योंकि 36 का रूट क्या होता है, 6 होता है, तो हम इसको अगर √3 को √12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2√36 हो जाएगा, 3 × 12 = 36 = 2 × √36 मतलब 6, 2 × 6 = 12 हो जाएगा। यहां पर था इरेशनल, यहां पर हो गया रैशनल, कैसे हुआ √12 से मल्टीप्लाई करके,
तो 2√3 का √12 ये भी एक रैशनलाइजेशन फैक्टर है। इस तरीके से रैशनलाइजेशन फैक्टर कितने भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं हमारे एग्जांपल में। तो बेसिकली जो हमारे पास नंबर है ओरिजिनल नंबर है ओरिजिनल सर्ड है। सर्ड मतलब क्या? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कैसा? जो रूट में लिखा गया हो, जैसे √2 √3 √5 √6 √7 √8 √10 √11 √12 ये सारे नंबर सर्ड्स हैं। तो हमारा जो सर्ड है उसको एक रैशनलाइजेशन उसको एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा इरेशनल सर्ड है ओरिजिनल हमारे इरेशनल सर्ड को एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है वो जो नंबर होता है वो हमारा रैशनलाइजेशन फैक्टर होता है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। मेरे पास ये नंबर है दोस्तों √80। ठीक है, √80 ये मेरे पास नंबर है। आपको इसको रैशनलाइज करना है तो मुझे आपको इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर बताना है। ठीक है, अब इस नंबर को आप कैसा रैशनलाइज करोगे ये आप कमेंट सेक्शन में लिखो, या फिर वो नंबर मुझे बताओ, रैशनलाइजेशन फैक्टर बताओ। रैशनलाइजेशन फैक्टर मतलब वो नंबर बताओ जिसको अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आंसर आएगा वो रैशनल आएगा, वही आपका रैशनलाइजेशन फैक्टर है। बस समझ गए आपको? काफी है, चलो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो। जिनका आंसर करेक्ट आएगा उनको ये चैप्टर समझ आ गया कंप्लीटली। जिनको समझ नहीं आया वो लोग दोबारा देखें इस चैप्टर को। अगर दोबारा देखने के बाद भी समझ नहीं आता है कमेंट सेक्शन में मुझे पूछो जो भी आपको समझ नहीं आ रहा, जो भी आपका डाउट है। अगर आपको अर्जेंट कुछ पूछना है तो सोशल मीडिया के मेरे सारे हैंडल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां पर आप जाके मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर आपको डाउट्स आते रहते हैं रोज रोज, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, आपको अगर रोज रोज डाउट आ रहे हैं, आपको रोज रोज पूछना है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पर क्वेश्चन पूछते रहो, हम रोज करो सॉल्व करते जाएंगे, आपकी पढ़ाई एकदम आसान हो जाएगी। ठीक है, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक आप हंसते रहो खेलते रहो और हमेशा की तरह हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहो यार।